यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों से लेकर सरकारी कर्मचारी तक इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही बहाल करने की मांग उठ रही थी, लेकिन अब 91 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है, जिसे मोदी सरकार टेंशन में नजर आ रही है। मोदी सरकार ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई है, लेकिन यूपीएस का भी जबरदस्त विरोध नजर आ रहा है। और अब सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस में ही सुधार की मांग कर दी है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 91 लाख सरकारी कर्मियों का हवाला देते हुए प्रमुख तौर पर 5 मांग की है। पहला, अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए। दूसरा, रिटायरमेंट या वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए। तीसरा, वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। चौथा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, ना कि रिटायरमेंट डेट से। पांचवा, एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। पत्र में कहा गया है कि जब कर्मचारियों को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, लेकिन नए पेंशन ढांचे में जो बदलाव किए गए वो नाकाफी थे। नतीजा, हताश और निराश कर्मचारी दोबारा से आंदोलन की राह पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यूपीएस पर मोदी सरकार क्या फैसला करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।